बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने पन्ना के SGS पब्लिक स्कूल का किया शुभारंभ। कहा, अंग्रेजी के साथ साथ हमें अपनी सनातन संस्कृति और हिंदी संस्कृति को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। आज पन्ना में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण महाराज ने SGS पब्लिक स्कूल के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर मध्य प्रदेश शासन के खनिज मंत्री बिजन प्रताप सिंह, पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र, SP धर्मराज मीना, अतिरिक्त कार्यपालन अधिकारी अशोक चतुर्वेदी की मुख्य अतिथि में एक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें जिले के आला अधिकारी भी उपस्थिति में शामिल थे। चमत्कारी संत धीरेन्द्र कृष्ण महाराज को साक्षात बालाजी सरकार की सिद्धि प्राप्त है, अर्थात आपके बिना बोले वह मन की बात समझ जाते हैं और उसका निराकरण कर देते हैं। इस मौके पर उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि हमें अपनी सनातन संस्कृति को भी कभी नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने कहा कि वास्तव में हमारे देश में इंटरनेट हाईटेक के ज़माने में इंग्लिश का बहुत ही महत्व है, लेकिन फिर भी हम हिंदू रीति रिवाज के लोग हैं। वह हमारी संस्कृति हिंदू है, इसलिए हमें अपनी सनातन धर्म को भी नहीं भूलना चाहिए। इसलिए इंग्लिश के साथ साथ हमें अपनी संस्कृति को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इंग्लिश मीडियम के साथ संस्कृति की संरक्षण करना भी जरूरी है, और यह जो MGS पब्लिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है, इससे निश्चित ही बच्चों को अच्छे संस्कार प्राप्त होंगे। संत ने कहा कि आज मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि मैं किसी भागवत और बड़े आयोजन में नहीं, बल्कि एक विद्या के मंदिर के विद्यालय का उद्घाटन करने आया हूँ। विद्या वह धन है जो कोई भी खरीद नहीं सकता। यह वह चीज़ है कि जितना बांटोगे उतना ही बढ़ती जाएगी। अगर आपके पास विद्या है तो आप भूखे नहीं मर सकेंगे। उन्हें सुनने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। इस बीच मध्य प्रदेश शासन के मंत्री बृजेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि महाराज जी की कृपा से हमारे क्षेत्र में धार्मिक माहौल हो गया है और इस नवनिर्मित स्कूल से बच्चों की अच्छी शिक्षा तो प्राप्त होगी ही, संस्कार भी मिलेंगे। इसी बीच स्कूल के संचालक नरेंद्र शुक्ला ने कहा कि हम उच्च स्तरीय शिक्षा प्रणाली और इंटरनेट पद्धति से अध्यापन कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ स्मार्ट क्लासों के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। नरेंद्र शुक्ला ने कहा कि हम उच्च मापदंडों के साथ बच्चों को संस्कारित और स्मार्ट बनाने का प्रयास करेंगे। इस मौके पर पन्ना कलेक्टर संजय कुमार मिश्र और SP धर्मराज मीना ने भी सभी को संबोधित किया। समारोह में बड़ी संख्या में अभिभावक, छात्र, पत्रकार, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। श्री सीताराम भगवान की जय, पन्ना के जुगल किशोर की जय, पन्ना धाम उप वृंदावन की जय। आज जो है बागेश्वर धाम बालाजी की कृपा से जुगल किशोर भगवान की रत्न गर्भा नगरी में जो है यहाँ पर SGS स्कूल के उद्घाटन के में आए थे, और बहुत हमारे बड़े प्रिय शिष्य हैं, बड़े स्नेही हैं। श्री नरेंद्र शुक्ला जी ने एक विद्यालय खोलो है, उनके माध्यम से सनातनीय संस्कृति को प्रचार करवे को उन्हें वचन दो, और ऐसा उन्होंने हम पे कही थी कि महाराज जी इससे विद्यार्थी पढ़ेंगे भी और सनातनीय संस्कृति का प्रचार होगा। तो हम तो एक ही पागल कहा है सनातनीय संस्कृति के, तो अपनी पागलपन के कारण हम अपनी पागलपन के ऊके उद्घाटन के लाने आए कि जन जन में राम का आदर्श भरवे और प्रत्येक विद्यार्थी राममय होवे और भारत हमारा विश्व गुरु बनवे, इसलिए SGS पब्लिक स्कूल के उद्घाटन में आए। तो यही सुधार होना चाहिए। सभी सरकारों से निवेदन हमारा जो ये, हम तो सबके आदमी आए, बामन आदमी, ब्राह्मण आदमी, तो गुरु के नाते यही हम निवेदन कर भी सभी जनन से पूरे शिक्षा में जो है एक बड़ो सुधार जो हो गए, पाठ्यक्रम में गीता और रामायण को जरूर जोड़ा जावे, ताकि भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम का आदर्श विद्यार्थियों के जीवन में उतर सके और विवेकानंद जैसी स्फूर्ति, तेज, वीरता प्राप्त करके भारत का डंका विदेशों में भारत के युवा बजा सके। यही अपेक्षा है, सबसे अपेक्षा है, आपसे भी अपेक्षा है, पत्रकारों से विशेष अपेक्षा है। इंटरनेट के जमाने में हमें अंग्रेजी का उपयोग करते हुए आगे बढ़ना है, अंग्रेजी में सनातनीय संस्कृति को भी बढ़ाना है। दोनों जरूरी है, हिंदी भी जरूरी है, संस्कृत भी जरूरी है, अंग्रेजी भी जरूरी है। ये सबसे पहले मूलभूत आवश्यकता है संस्कृति की। आपके अंदर संस्कार आ जाएंगे, कितनी भी भाषाएं आपके जीवन में आ जाएं, उनका प्रभाव नहीं होगा, अपितु सुप्रभाव होकर के आप अपनी संस्कृति का प्रचार करेंगे। धन्यवाद।